चले ठीक से। सही चलो था सही चले। थैंक यू साफ करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोगों की ऑल विल बी फाइन गाइस। और आज हम आए हैं सब सुबह कुत्ते के साथ ही हॉस्पिटल, क्योंकि भाई सो गई थी, ज़्यादा तबीयत खराब, खांसी जुकाम बुखार है, सब हो गया इसको। कहना नहीं मानता ना, ठंडा पानी पीता है इसीलिए। ये देखिए, ये है बहुत ही मस्त वेंडिंग मशीन, और देखिए इस पर कुछ भी मिल सकता है। स्नैक्स एंड नमकीन पे क्लिक किया तो ये आ गया, और बिस्किट्स एंड केक्स पे क्लिक किया तो देखिएगा इसके आया, और देख सकते हैं। और स्वीट्स एंड डेजर्ट्स पे क्लिक किया तो राइस कितने अच्छे चीज आ गया, आप देख सकते हैं। एक और चीज़ पे क्लिक किया, अब दो की बेवरेजेज हैं, देख सकते हैं। और गाइस, आप इधर से अपना जो हमने सामान पे ऐड टू कार्ट किया है वो आप इधर से देख सकते हैं, कितनी मस्त मशीन है। तो सो गाइस, अब हम आए हैं शाम डेयरी पे, और अभी क्या हुआ है ना, अभी हम नाश्ते के लिए आए हैं इधर। आप देखिए, हमने जो है ऑर्डर किया है 4 ब्रेड पकौड़ा और एक हाफ प्लेट ढोकला। गाइस, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इधर। और गाइस, ये रहे हैं ब्रेड पकौड़े जो हमने ऑर्डर किए हैं, और ये देखिए। और इधर खड़ी आपको कुछ देना, ये लड़का इतना बदतमीज है गाइस, इसकी तबीयत खराब है, इसको खांसी हो रही है, तो ये जान जान के कहाँ से रहा है फालतू में। हाँ तो क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो? 10 के 5 है। तो दे दो। और ये नए कपड़े पहन के बैठ गया जैसे बारात में जा रहा हूँ किसी की, देखना। क्यों नए कपड़े क्यों पहन के बैठ गया? गोलगप्पे खाने के लिए नए कपड़े पहन के बैठ गया? एक एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। खिला खिला से आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं, जल्दी खिला। मेरे में चटनी अच्छी डालना, मीठी वाली। ले देख देख, नानी खा रही है, नानी। गाइस, अभी आए हैं इलेक्ट्रीशियन अंकल, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गाइस, ये देखिए, हमारा जो एसी था वो जो है ऑन नहीं हो रहा था, तो अब देखिए गाइस जो है, मतलब एम सील वो ठीक हो चुकी है, आपको दिखाता हूँ। गाइस, ट्यूशन वगैरह डन हो गया है, मैं थोड़ा सा घर संभाल रही हूँ, और कल से थोड़ा सा बड़ा मतलब हैट्रिक डे हो गया। एक तो सब पूजा वगैरह भी थी घर में, ऊपर से बच्चे भी बीमार हो गए, बिकॉज जो ये सीज़न चल रहा है ये बहुत ज़्यादा वायरल जो है स्प्रेड हो रखा है। तो छोटे, उसको कार्तिक को भी खांसी जुकाम बुखार हो गया, छोटे वाले को भी हो गया, और मुझे भी गले में थोड़ी खराश सी लग रही है, और मेरे हस्बैंड को भी, सबको ही हो गया वायरल फीवर, क्योंकि ये वैसे भी एक से दूसरे को जल्दी हो जाता है। तो गाइज, इसलिए कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं मैं आज बना पाई आपको, मैंने अभी देखना आप आगे ब्लॉग में मैंने दिखाया कि सबसे पहले तो सुबह सुबह हॉस्पिटल के दर्शन हुए, क्योंकि उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कार्तिक को, तो मैं वहाँ लेकर गई, फिर उन्होंने नेबुलाइजर वगैरह दिया तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला। और एक चीज़ और दिखा दो गाइज, कल परसों देखो मैं यहाँ पे जल गई थी, तो भैया यहाँ पे तक दर्द हो रहा है ना मेरे, ये देखो, मतलब पहले नहीं हो रहा था जब जलाते, मैंने ना क्रीम लगाई हुई है इसके ऊपर, तो पहले नहीं हो रहा था जब जला था, लेकिन अब तो इसमें इतना पेन हो रहा है ना, जैसे जैसे मतलब बढ़ रहा है ना ये, तो घाव भर रहा है, तो बहुत दर्द कर रहा है मेरे। और ये भाई साहब लगे पड़े हैं परेशान करने में, इन्हें मैं बड़ा आतंक मचाया हुआ है, और बच्चे स्पीकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा आप लोगों की क्लास ओवर हो गई है, बट थोड़ी देर स्पीकिंग कर लो बैठ के, तो ये लोग स्पीकिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये मैं बाल सही कर रही है।